कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 1 सितंबर को मुंबई के चार बंगला स्थित गुरुद्वारे के बाहर सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया। सिख समुदाय का आरोप ये है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनकी मांग है कि फिल्म पर बैन लगाया जाए, साथ ही कंगना रनौत पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। कंगना रनौत पिछले लंबे समय तो देश दे विच खास करके किसानों के घट गिनती के सिखा के विरुद्ध नफरत फैला रही है। साड़ी सरकार तो पंजाब सरकार तो भी ते दिल्ली भारतीय जनता पार्टी भी असं कहना चाहते हैं कि अग लाउणी बड़ी सौखी है, बुझाउणी बड़ी औखी है। पंजाब सरकार नूं कहना चाहते कि उत्ते केस दर्ज करके गिरफ्तार की। कंगना की ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इन्हीं सभी वजहों के चलते फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। बोर्ड का आदेश है कि फिल्म से विवादित सीन हटाए जाएं, लेकिन कंगना रनौत का कहना है वो इमरजेंसी के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और इसे बिना किसी काट छांट के रिलीज करवाएंगे। कंगना का ये भी कहना है कि वो तथ्यों को नहीं बदलना चाहती, क्योंकि उन्होंने इतिहासकारों की मदद से फिल्म बनाई है। इनमें से कई इतिहासकार इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए हैं। बहुत सारी चीजें सोचने वाली हैं कि आज जैसे कोई गन पॉइंट पर रखकर सिस्टम चला सकता है, इसके आगे हम घुटने टेक देंगे तो हमारा भी क्या फ्यूचर है। बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने ये कहा था, मैंने अपने पूरे स्वाभिमान से फिल्म बनाई है, इसलिए सेंसर बोर्ड कोई चीज पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट रोका हुआ है, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं कोर्ट से लड़कर इसे अनकट रिलीज करूंगी। मैं अचानक ये नहीं दिखा सकती कि इंदिरा गांधी अपने आप ही घर में मर गई। अब कंगना को उनके इस फिल्म की वजह से लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले जसपाल सिंह सूरी ने कंगना को खुलेआम धमकी दी है। उनका कहना है कि कंगना को हर जगह जाकर माफी मांगनी चाहिए। उसने खालसा पंथ को आतंकवादी बोला है, उन किसानों को आतंकवादी बोला है जो अपने हक के लिए अनशन पर बैठे हुए थे। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उसके आने वाले दिन बहुत खराब होंगे और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म इमरजेंसी में सिखों के इतिहास से जुड़े कुछ संवेदनशील मुद्दों को गलत तरीके से दिखाया गया है। इससे सिख धर्म और समुदाय की छवि धूमिल हुई है। वो अपने धर्म और इतिहास की गरिमा से समझौता नहीं करेंगे, साथ ही किसी भी तरह की गलत बयानबाजी के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। इस पर भी कंगना का कहना यह है कि वो इस तरह की धमकियों से नहीं डरने वाली। कंगना का कहना है ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ, लोग महिलाओं से गाली गलौज करते हैं और इसके कोई बुरे परिणाम नहीं है। पंजाब से भी हर तरह की गाली गलौज सुनने को मिल रही है। जब गाली से कुछ नहीं हुआ तो बात थप्पड़ पर आ गई, फिर लात पर आ गई, फिर जिंदा जलाने पर आ गई। आप देखिए कि जब इन्हें छूट मिलती है तो इनके हौसले कितने बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कंगना ने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CFBC ने पहले तो फिल्म को क्लियर कर दिया था, लेकिन बाद में सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी गई। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जान से मारने की बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं। सेंसर बोर्ड वालों को भी धमकियां मिल रही हैं। हम पर प्रेशर है कि इंदिरा गांधी की हत्या ना दिखाएं, भिंडरा वालों को ना दिखाएं, पंजाब दंगे ना दिखाएं, मुझे नहीं पता कि फिर क्या दिखाएं। बहरहाल कंगना की फिल्म इमरजेंसी को, जो कि 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, विरोध प्रदर्शनों और कोर्ट में याचिकाओं की वजह से फिलहाल इसकी रिलीज को टाल दिया गया है। आगे कोर्ट और सेंसर बोर्ड क्या फैसला लेता है, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।